वगैरह और दूसरी चीज़ें, टेबल्स हम लोगों ने ऐड करके देखे, लिस्ट वगैरह ऐड करके देखी। तो ऐसी तमाम चीज़ों को स्टाइल देने के लिए हम लोग CSS को यूज़ करते हैं। उसको मैं स्टाइल शीट्स, तो ये इसका है जो एब्रीविएशन। तो वो कहता है जी, डिस्क्राइब दी अपीयरेंस, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज। यानी CSS का यूज हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है, जो अपीयरेंस होती है, लेआउट होता है, या प्रेजेंटेशन होती है हमारी इंफॉर्मेशन की जो वेब पेज के ऊपर, वो क्या होती है, HTML डिस्क्राइब करती है द कंटेंट ऑफ द पेज। HTML जो है वो क्या करती है, वो कंटेंट ऑफ द पेज हमें बना के देती है। और HTML जो है वो एक और काम कर रही होती है, वो कहता है जी, डिस्क्राइब हाउ इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड, नॉट व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है, यानी CSS से मुतल्लिक, कि हम लोग उसकी जो HTML है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। HTML हमारे कंटेंट को, वेब पेज का कंटेंट बनाता है, जबकि CSS उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देती है, उसके लेआउट को चेंज कर देती है, उसकी प्रेजेंटेशन को चेंज कर देती है। और CSS फिर हाउ के ऊपर जो है वो फोकस्ड होती है, कि डिस्क्राइब हाउ इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड, नॉट व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड। जो व्हाट इज है वो HTML के तहत आता है, कि आप लोग क्या डिस्प्ले करने जा रहे हैं। जो हम क्या करने जा रहे होते हैं वो HTML के थ्रू करते हैं, और कैसे होना है, उसने किस तरह का, उसकी जो विजुअली उसकी जो अपीयरेंस है वो हम लोग करते हैं, चेंज करते हैं थ्रू CSS। तो फिर वो कहता है, नंबर थर्ड है, कैन बी एम्बेडेड इन HTML डॉक्यूमेंट और प्लेस्ड इनटू सेपरेट डॉट CSS फाइल। CSS का कोड जो है, इसको हम लोग दो तरह से ऐड कर सकते हैं। या तो हम HTML डॉक्यूमेंट का इसको हिस्सा बना देते हैं, उसी के अंदर एम्बेड कर देते हैं, या अलहदा से एक डॉट CSS फाइल बनाते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं अपने HTML पेज के अंदर। अभी हम लोग ये सारा करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ये समझ आई है आप लोगों को बेटा? यस सर। CSS को इंक्लूड जब हम लोग करते हैं तो तीन तरह से किया जा सकता है। उन्हीं ये HTML के अंदर ही है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही होगी। HTML डॉक्यूमेंट क्या होती है, वेब पेज इन सिंपल वर्ड्स। यानी दोनों जो हैं अल्टरनेटिवली यूज होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट कह लें या उसको वेब पेज कह लें, वो एक ही बात है। तो HTML डॉक्यूमेंट जो होती है हमारी, उसके अंदर हम लोग CSS को तीन तरह से ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है इन लाइन स्टाइल। इन लाइन स्टाइल क्या होता है, कि हम लोग एक सिंगल जो लाइन है वहां पे हम लोग उसका एट्रीब्यूट यूज करें HTML के अंदर ही। उसके स्टार्ट टैग जो होता है, HTML का स्टार्ट टैग, उसके अंदर हम लोग स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके उसको कर सकते हैं। तो ये इन लाइन होता है। अभी प्रैक्टिकली इस चीज को भी परफॉर्म करते हैं। नंबर सेकंड है एम्बेडेड स्टाइल्स। एम्बेडेड होते हैं कि इसको आमतौर पे हम लोग हेड सेक्शन के अंदर देते हैं, जो हमारा हेड टैग होता है उसके अंदर हम लोग एलिमेंट हेड का उसके अंदर हम लोग दे देते हैं। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था मेटा टैग को, तो मेटा को भी हम लोगों ने हेड के अंदर दिया था। इसी तरह से एक हमारे पास फिर टैग यूज होता है स्टाइल का। तो स्टाइल का जो टैग है, स्टार्टिंग और एंडिंग, इसकी मदद से हम लोग एम्बेड कर देते हैं। यानी स्टाइल स्टार्ट और स्टाइल एंड, उसके अंदर सारे का सारा CSS का कोड लिख दिया जाता है। अगर ज्यादा कोड लिखना हो, एक इनलाइन जो है वो एक एट्रीब्यूट के तौर पे हम लोग करते हैं, थोड़ा सा कोड उसके अंदर होता है, और इस चीज को डिस्कर्ज किया जाता है। जो इनलाइन स्टाइल होता है, इसको डिस्कर्ज किया जाता है कि इसको ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो एम्बेडेड के तहत होता है, या एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो नंबर थर्ड पे है, तो उसको हम लोग दे सकते हैं। एक्सटर्नली हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे
और उसको सेव करवा लेंगे, उसकी एक्सटेंशन रखेंगे .css, फाइल का नाम रखेंगे .css, फाइल बन जाती है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लिंक के नाम का एक टैग यूज़ करते हैं और एलिमेंट होता है बेसिकली, यानी लिंक का स्टार्ट टैग और एंडिंग टैग, और उसके अंदर हम लोग फाइल का रेफरेंस दे देते हैं, उसका पाथ दे देते हैं, और इस तरह से इसको भी हेड टैग के अंदर ही, हेड एलिमेंट के अंदर ही हम लोग देते हैं लिंक वाला जो है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। CSS रूल सिंटैक्स, इसको देखते हैं कि रूल किस चीज़ को कहते हैं, और मैं अभी बताता हूँ, या मैं फैन थोड़ा ऑन कर लूँ। यहाँ से लेके ये सिलेक्टर और ये जहाँ पे एंड हो रहा है दिस वन, ये पूरा जो कोड लिखा हुआ है ये एक रूल कहलाता है, और हम बेसिकली मुख्तलिफ रूल्स लिखते हैं, जितना भी ये CSS होती है इसके अंदर रूल लिखा जाता है, ये इसके रूल का सिंटैक्स है। जो इसका नाम जो होता है इसको कहा जाता है सिलेक्टर, जिस चीज़ के लिए लिखा जा रहा है रूल लिखा जा रहा है, रूल का जो नाम लिखा जाता है वो सिलेक्टर कहलाता है। और फिर हम लोग प्रॉपर्टीज देते हैं और कॉलन के बाद वैल्यूज दी जाती हैं। तो ये जनाब होता है हमारा सिंटैक्स होता है इस तरह से। नीचे एग्जांपल दी गई है, जैसे पी जो है, पी फॉर पैराग्राफ कह सकते हैं, पी ये पूरे का पूरा रूल है, पैराग्राफ के लिए रूल बनाया गया है, और पी जो है ये सिलेक्टर है इसका, और यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और बॉडी एंड हो रही है। ये कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल होती हैं, या इसको ये कहा जाता है। तो इसके अंदर फिर ये प्रॉपर्टी है, जैसे फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है कॉलन, और ये उसकी वैल्यू है, इस तरह से दिया जाता है, और सेमी कॉलन से इसको एंड कर दिया जाता है। कलर जो है वो प्रॉपर्टी का नेम है, और ये वैल्यू दे दी गई। तो ये चीज़ हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा। इसी तरह से एक और उसने नीचे बात की है, अ सिलेक्टर ऑफ स्टेरिस्क्स सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, यानी वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाता है अगर हम पी की बजाय इसका नाम स्टेरिस्क्स रख दें, यानी सिलेक्टर का नाम स्टेरिस्क्स भी रखा जा सकता है। अगर स्टेरिस्क्स रखते हैं तो वो क्या है, वो तमाम एलिमेंट्स के लिए होता है हमारा, वो तमाम को जो है वो उस पर अप्लाई होगा। अच्छा चले इसको भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे उसने कहा जी अटैचिंग अ CSS फाइल, ये उसने बैरूनी फाइल जो बनाते हैं ये उसको दिया हुआ है। एक्स्ट्रा हम लोग फाइल एक क्रिएट करते हैं, लिंक का हम लोग देते हैं इसके अंदर टैग, यानी रिलेटेड जो है वो किससे है, ये दो चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको अटैच कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका जो बैरूनी, अगर हम लोग एक्सटर्नली एक फाइल क्रिएट करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ करने से पहले हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को परफॉर्म कर लें, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये हो गया एम्बेडेड, जो है ये एम्बेडेड है, इसको देख लें। अभी मैं एम्बेड करूंगा इसको, स्टाइल के अंदर इसको किया जाता है, हम ये एम्बेडेड वाला पहले करेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। ओके, डॉक टाइप है HTML, देन वी हैव HTML स्टार्ट, टाइटल, और टाइटल हम लोग दे देते हैं CSS, टाइटल क्लोज्ड, और यहाँ पे हेड को क्लोज मैं करता हूँ, क्योंकि इसके दरमियान में हम लोगों ने स्टाइल देना है, और इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। ये टाइटल को लादा हेड स्टार्ट और हेड क्लोज्ड, उसके बाद हम लोग बॉडी को स्टार्ट करते हैं और बॉडी एंड कर देते हैं जी।
HTML भी देखो ऊपर वाले बॉडी के साथ स्टार्टिंग के स्पेलिंग को स्पेलिंग गलत ठीक। अच्छा अब देखिएगा बेटा कि हम लोग एक चले H1 लेते हैं H1 और यहाँ पे लिखते हैं जी वर्किंग विद CSS3 कैस्केडिंग स्टाइल शीट 3 और इसको मैं क्लोज भी करने जा रहा हूँ H3 क्लोज। इसको मैं सेव करवा रहा हूँ और सेव करवाने के लिए इसका नाम रखेंगे तो क्योंकि ये हम लोग इसमें स्टाइल ऐड कर रहे हैं इसका नाम चले CSS रख लेते जाए नहीं और नाम रख लेते हैं cat.htm फाइल सेव और इसको हम लोग डबल क्लिक किया तो ये आ गया जनाब ऊपर CSS के नाम का इसका टाइटल आ चुका है और यहाँ पे ये इसने शो कर दिया। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे स्टाइल को तो स्टाइल यूज करने के लिए हेड के अंदर हम लोग लिखेंगे स्टाइल स्टार्ट और स्टाइल एंड। तो ये जो है बेसिकली जितनी भी स्टाइलिंग करनी है आप लोग ये होता है एम्बेड करना ये जो तरीका है ये भी हम करने जा रहे हैं एम्बेड करना उसको यानी कोड को इसके अंदर एम्बेड कर देना। दो तरह से एम्बेड होता है एक आप लोग हेड टैग के अंदर करते हैं और सेकंडली आप इनलाइन करते हैं ये बेसिकली एम्बेडेड तरीका है एम्बेड करने का ये तरीका है। दूसरा इनलाइन है तीसरा एक्सटर्नल फाइल का है। सबसे पहले हम लोग रूल का नाम लिखेंगे जिसको अप्लाई करना है उसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आप नाम कोई भी रख सकते हैं आप H1 भी सॉरी ये H1 था तो यहाँ पे H3 मैंने लिखा हुआ है आप H1 के नाम से भी रूल रख सकते हैं वो फिर H1 पे ही अप्लाई होगा यानी जो नाम यहाँ पे है एलिमेंट का नेम है आप लोग उसी एलिमेंट को अपने सिलेक्टर नेम भी दे सकते हैं यानी सिलेक्टर फर्स्ट करें हम रख लेते हैं H1 कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट यहाँ पे हम लोग और कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड यहाँ पे हम लोग देंगे इसकी प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टी जो देनी है फर्स्ट करें हम इसको देते हैं फॉन्ट फैमिली कॉलन और इधर हम लोग इसको दे देते हैं कैलिब्री या कोई और हम दे सकते हैं चलो कैलिब्री ही अभी फिलहाल मैं देता हूँ कैलिब्री लाइट भी दिया जा सकता है ठीक है। इसको मैंने सेव करवा दिया है जरा गौर कीजिएगा कि ये हमने H1 पे चूंकि इसको अप्लाई करवाया है तो क्या इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा और सेकंडली हम एक और इसको दे देते हैं कलर कलर भी मैं फिलहाल रेड इसको दे रहा हूँ। अभी हम लोग मुख्तलि कोड्स को भी देखेंगे कलर्स के हवाले से देखें कुछ फर्क पड़ा ठीक है फॉन्ट फैमिलीज की कलर हम इसको दे देते हैं येलो देखें समझ आ रही है बेटे और इसको हम लोग अलाइनमेंट भी इसकी कर देते हैं लाइन सेंटर टेक्स्ट अलाइन यहां पे अलाइन नहीं है बल्कि टेक्स्ट अलाइन है तो ये सेंटर लाइन उसने कर दिया यानी प्रॉपर्टी का नेम है टेक्स्ट अलाइन। अच्छा ये हमने खालिस्तान H1 पे किया है इसका दूसरा फायदा ये होता है कि जहां भी
हम लोग अब यहाँ पे बिल फर्ज मैं एक पैराग्राफ स्टार्ट कर लेता हूँ और पैराग्राफ को एंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम लोरम इप्सम कोई उठाते, लोरम इप्सम से हम लोग कोई पैराग्राफ उठाते हैं और इसको पेस्ट करवा देते हैं। मैंने पेस्ट करवा दिया, मींस के यहां पे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। ये पैराग्राफ आ चुका है। अच्छा, मैं चाहता हूं अब जब भी मैं कहीं पे भी इसके बाद पैराग्राफ के बाद अगेन मैं H1 को देने जा रहा हूं और मैं यहां पे लिखता हूं फर्ज करें अनदर पैराग्राफ H1 क्लोज्ड। मुझे यहाँ पे कोई भी दोबारा से प्रॉपर्टीज या कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया। तो अगेन देखें सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अप्लाई हो चुकी, क्योंकि मैंने H1 के लिए मैंने क्या किया है, पूरा रूल बना दिया हुआ स्टाइल के अंदर। समझ आ रही है बात बेटे? ये होती है स्टाइलिंग। अच्छा, मजीद हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नाम चेंज कर देना है, नाम हम कोई भी रख लेते हैं। फर्ज करें हम इसका नाम रखते हैं स्टाइल, यानी हेडिंग को दे रहे हैं हेडिंग स्टाइल 1 HS1। मैंने फर्ज करें HS1 रख लिया, हेडिंग स्टाइल 1 कोई भी नाम रख सकते हैं, ये नाम रख लिया। अब देखिएगा इसको मैं करवा देता हूँ सेव, तो क्या हमारी सेम आउटपुट आएगी? नहीं आएगी। फॉलो कर रहे हो बात? Yes, sir. Excuse me. अब नाम रख दिया है डिफरेंट, यानी इन्होंने कहा हम हर जो हेडिंग है उसको अलग अलग से देना चाह रहे हैं, तो चाहे वो H1 ही है, तो इसको हमने रख लिया हेडिंग स्टाइल 1। हम एक और बनाएंगे हेडिंग स्टाइल, तो इसको जहां भी अप्लाई करना हो, पहली बात तो ये है कि इसको जहां भी अप्लाई करना हो HS1 को, तो हम लोग वहां पे जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग टैग होता है यानी H1 हम लोगों ने लगाया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे और इधर दे देंगे इसको class is equal to डबल कोट्स में HS1। वो हमारी एक क्लास हम लोगों ने वहां पे क्रिएट कर ली है, बल्कि क्लास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चूंकि ये एक आईडी के तौर पे आ रहा है तो यहाँ पे हमें ये देना पड़ेगा हैश डॉट देना पड़ेगा। अगर आप वैसे देंगे तो हैश देना पड़ेगा, अगर आईडी देते यानी हैश के साथ भी इसको किया जा सकता है, डॉट देना पड़ेगा फिलहाल। तो डॉट देंगे इधर क्लास का नाम हम लोग, यानी कि डॉट से मुराद ये है कि ये क्लास बना लिया हमने। तो ये देखिएगा सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई हुआ, दूसरे पे अप्लाई नहीं हुआ, यानी हमने दूसरे पे भी अप्लाई करना है, हमने ये एक क्लास क्रिएट कर ली हुई है। यही क्लास किसी पे भी आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉलो कर रहे हो आप? पैराग्राफ के लिए हम लोग बना लेते हैं फर्ज करें हम लोग बनाते हैं पैराग्राफ स्टाइल PS1 पैराग्राफ स्टाइल 1 लेट्स सपोज। तो इसको भी डॉट से स्टार्ट कर लिया, इसकी फॉन्ट फैमिली हम लोग चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली की है जी, कौन सी रखें? टाइम्स न्यू रोमन स्काई ब्लू जी, टाइम न्यू रोमन चाहिए था। एंड न्यू शेरिफ रख लें जी। जी बोले, कलर ब्लू दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई नहीं है, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है जस्टिफाई कर देते हैं इसको और बाकी चीजें देखते हैं जी। हमने पैराग्राफ के लिए इसको बना दिया।
अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तो चूंकि पैराग्राफ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लास लिखेंगे, लफ्ज क्लास इज इक्वल टू पैराग्राफ स्टाइल वन, यानी जो हमने नाम रखा है। डॉट नहीं, यहाँ पे डॉट नहीं लिखेंगे, डॉट ऊपर देना है आप लोगों ने। अच्छा ये देखें, इस पे अप्लाई कर दिया उसने। ठीक है बेटा, समझ आ रही है। पैराग्राफ वन में हम लोग फॉन्ट साइज देने जा रहे हैं, और ये जहन में रखिएगा ये हम पिक्सल्स में देते हैं। अब हम लोग पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, एम्स में दे सकते हैं, और हम लोग पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। तो जिसमें आप लोगों ने देने वो बताना पड़ेगा। फर्ज करें हम इसको दे देते हैं, इसको पॉइंट्स में देते हैं, तो फर्ज करें मैं 30 पॉइंट्स दे देता हूँ इसको वैल्यू फॉन्ट साइज। समझ आ रही बात। उसमें HTML हमारे पास, उसमें हम लोगों ने साइज दिया था सिर्फ 1 से लेके 7 तक। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं होते जैसे आप लोग बेटा आप देते हो उसमें, यही ले लें इसी को, ये हमारे पास पावर पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टेक्स्ट साइज लिखा होता है दिस वन, ये पॉइंट्स में आ रहा होता है फॉन्ट साइज। फॉलो कर रहे हो आप? ये पॉइंट्स में आ रहा है। आप लोग पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। पिक्सल में देने के लिए हमें px लिखना पड़ेगा, साथ वैल्यू के साथ आपने px लिखना है ताकि उसको पता चले कि ये पिक्सल्स में वैल्यू दी जा रही है। इसको सेव करवा के देखते हैं। 30 को देखिएगा, ये है पहले 30 पॉइंट्स, तो 30 पिक्सल्स कितने के बराबर है, वो इतने के बराबर है। इट मीन्स कि पिक्सल्स और पॉइंट्स में फर्क है, और ये जस्टिफाइड भी है। इसकी अलाइनमेंट देखें, जस्टिफाई हो चुकी है, यानी दोनों साइडों से वो बराबर है। कुछ समझ आ रही बेटा बात? चले हम एक और बना लेते हैं जो कि हेडिंग स्टाइल 2 होगा हमारे लिए। उसको मैं बना रहा हूँ हैश के साथ, हेडिंग स्टाइल 2, उसको मैंने स्टार्ट किया है हैश के साथ। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसको भी फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली कौन से दें, कैलिबरी ही कर लें या कोई और कर लेते हैं? यहाँ से देख, यहाँ से देख लेते हैं, अल्जेरियन है ये दे रहते हैं, या एक ये है एहरोनी है, ये देख लेते हैं। कलर दे देते हैं हम लोग, कलर कौन सा दें? और सर इसको किसी भी किस्म का फॉन्ट दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली दे रहे हैं। हाँ जी, यही तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है ना बेटा हमारे पास। इसको सेंटर अलाइन कर दिया, और बाकी हम लोग इसको देना चाह रहे हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश कलर, इसको हम लोग एक्वा कर लेते हैं फिलहाल। सर ये मैं इधर एक कर रहा हूँ उबंटू नाम का ऐप, वो नहीं मेरे पास आ रहा। इसको HS2, और इसमें मैंने हैश लिखा है डॉट की बजाय। तो अब अगर इसको अप्लाई करना हो, फर्ज करें इसी में हम करते हैं, इसको H2 कर देते हैं, कोई मसला नहीं। H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, कुछ भी आप जो भी है वो तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, H1 और H2 वाली जो भी है वो तो होगी। अब हमने क्या देना है, ID इज इक्वल टू HS2। क्योंकि मैंने इसके साथ क्या लिखा था हैश डाली थी, अब क्लास नहीं लिखेंगे बल्कि ID लिखेंगे। कुछ समझ आई बात? जी बेटा, तो क्या अप्लाई होगा, मैंने क्लास दे दी है, देख लेते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। हुआ? नो सर। तो वो पुराना तरीका बेटे, पुराना तरीका ही नहीं हुआ कि अगर आपको इस तरह से भी मिले कुछ कोड तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, यानी इस तरह से भी होता रहे। ओके सर, लेकिन ये आईडी क्या हम दो जगह भी
हम यहाँ पे नहीं दे रहे इसको, हम इसके अंदर एच वन के अंदर नहीं दे रहे सारा कोड, बल्कि हमने उसको ग्लोबली बना लिया पूरा रूल। हम जब भी इस रूल का यूज करेंगे जहां पे भी करेंगे वो फौरी तौर पे अप्लाई हो जाएगा, आप कहीं पे भी दे दें। नहीं समझ आई? एम्बेड करके देखा स्टाइल के तहत, ये अभी जो हमने किया है ये हमने एम्बेड किया है इस तरह से। अब हम लोग, वो कहता जी CSS कोड कैन बी एम्बेडेड विद इन द हेड ऑफ एन HTML पेज, तो हमने हेड के तहत इसको कर लिया है एम्बेड। टाइप इसकी रहती है, ये टाइप आप लोग लिख सकते हैं। वैसे तो आजकल के जो ब्राउजर हैं वो स्टाइल से ही उसको समझ आते हैं, लेकिन हमें टाइप लिख लेनी चाहिए, ये हमने नहीं लिखी, इसको लिख लेते हैं। स्टाइल जहां से स्टार्ट होता है ये, तो इसकी जो टाइप है वो क्या है, CSS ओवर टेक्स्ट, या टेक्स्ट ओवर CSS, टेक्स्ट ओवर CSS लिखा है इसने, यस, तो टेक्स्ट ओवर CSS। लिख ले इस तरह से, समझ आ गई बात? वैसे भी अप्लाई तो होता है, लेकिन ये लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि कोई एम्बिग्युटी ना हो, यानी ब्राउजर को क्लियरली हर चीज समझ आए कि क्या हो रहा है। ओके, यस सर। अच्छा, स्टाइल एंड शुड बी अवॉइडेड व्हेन पॉसिबल, व्हाई? ये लाइन क्यों लिखी गई थी? लिखते हैं अपने टैग के अंदर, बॉडी के अंदर ही जाके, जैसे ये स्टाइल को, उसने स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर हम लोग वही प्रॉपर्टीज लिख दें, तो वो एक स्टाइल इन लाइन जो है वो अप्लाई हो जाता है, और इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे हाई होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है, यानी अगर इसके ऊपर भी स्टाइल लगा हुआ हो तो ये उसको जो है ये ओवरलैप कर जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूं, यानी एक तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं पहले इन लाइन स्टाइल को कैसे करेंगे। यहां पे हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट एंड पैराग्राफ क्लोज्ड। अगेन लॉरम इप्सम हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कुछ कॉपी किया है टेक्स्ट, इसको अप्लाई कर लिया, तो ये बेटा यहाँ पे उसने हमें टेक्स्ट को शो करके दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट उसने शो किया है इसको, इस पे कुछ हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। पी के अंदर हम लोग बजाय इसके के ऊपर से हम क्लास को यहाँ पे लिखें या कुछ करें, हम इन लाइन जो है उसको अप्लाई करवा सकते हैं। इन लाइन कैसे होगा, इसके अंदर हम डायरेक्ट देंगे स्टाइल के नाम का, स्टाइल देंगे डायरेक्ट, और एट्रीब्यूट देंगे यानी डबल कोट स्टार्ट और डबल कोट क्लोज, बिल्कुल सेम उसी तरीकाकार पे आप लोगों ने देना है। फर्ज करें यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज पहले देना चाह रहा हूँ, फॉन्ट साइज कॉलन, और आप लोगों ने फॉन्ट साइज दिया, इसको हम दे देते हैं, इसको भी 30 पॉइंट्स दे दें, है ना, पॉइंट्स ऊपर दिए थे, पिक्सल हमने कर लिया, ये देखिएगा अप्लाई होता है कि नहीं। स्टाइल के अंदर हमने, ये इनलाइन स्टाइल है, देखें अप्लाई हो गया ना, यस सर। हम लोग इसको देंगे यहाँ पे सेमी कॉलन, स्पेस देनी है, और इसको अलाइनमेंट इसकी हम लोग कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन, इसको भी मैं जस्टिफाई करवाने जा रहा हूँ, सॉरी कॉलन, और यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई और सेमी कॉलन, तो ये जस्टिफाई हो चुका है। कि फर्ज करें अब हम लोग ऐसा करते हैं
ये समझ आ गया वैसे आपको, पैराग्राफ स्टाइल वन ये क्लास बनाई थी, यानी सेम क्लास मैंने इस पे भी अप्लाई कर दी, जो ऊपर की थी वही इसी पे, तो सेम वही वैसा ही लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं कि इसके कुछ हिस्से पे मैं अप्लाई कर देता हूं इनलाइन स्टाइल, मसलन उसके लिए मुझे फिर यूज करना पड़ेगा, एक होता है हमारे पास टैग होता है, कल हम लोगों ने उसका जिक्र किया था, उसको चले यूज कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं। जी बेटा स्पैन का कोई भी आप लोग जिस पे कोई चीज अप्लाई करने जा रहे हैं, यहां पे हम लोग स्टाइल जो है इस पे अप्लाई कर लेते हैं स्पैन के ऊपर, फिलहाल चेक करते हैं कोई फर्क तो नहीं पड़ा, अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां से लेके एंड तक जहां पे फाइनल है, ये लोरम इप्सम मे बी यूज्ड एज, यहां से स्टार्ट करे और यहां पे स्टाइल को अप्लाई कर दे। ये मैंने स्टाइल को अप्लाई कर दिया है इस पे, को अप्लाई कर दिया, फॉन्ट साइज इसका हम लोग कर देते हैं 50 ताकि डिफरेंट नजर आए, और टेक्स्ट लाइन जस्टिफाइड ही है, इसके अलावा हम लोग इसको दे देते हैं कलर डिफरेंट दे देते हैं, कलर बल्कि देने की जरूरत ही नहीं है, ब्लैक ही रहेगा, अगर हम नहीं देते तो वो ब्लैक ही रहेगा। और सेकंडली हम लोग इसको और क्या करें जी, चलें काफी है, यानी वो डिफॉल्ट उसने ले लिया ऊपर वाला, लेकिन ये अब जरा गौर करें कि पूरी की पूरी क्लास जो ऊपर हम लोगों ने लगाई यहाँ पे PS1 वो भी अप्लाइड है, इसके अलावा यहाँ पे इसने क्या किया, ये स्टाइल जो हमने दिया है ये ओवरलैप कर गया है, यहाँ जस्टिफाई के बजाय कुछ और भी दे सकते हैं, कलर हम इसको दे देते हैं कलर ब्लैक कर देते हैं या रेड कर देते हैं, तो ये देखिएगा इसका मतलब जो इनलाइन होता है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी अगर ऊपर से भी हम लोगों ने एक्सटर्नली भी इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई किया हुआ है लेकिन हम लोग इनलाइन को दे देते हैं उसके अंदर तो वो ओवरलैप कर देगा, इसकी तरजीह ज्यादा होती है, प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है इसकी, क्लियर अंदर आ रहा है। अमूमन जो फर्स्ट होता है ना स्टार्टिंग टैग उसकी ज्यादा अहमियत होती है, ये अगर बिलफर्स कहीं पे रह भी जाए या कुछ प्रॉब्लम हो बाज़कात वो इसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर जाता है, यानी हमारी आउटपुट आ ही जाती है, क्योंकि हमने बाहर ये देखे पैराग्राफ एंड भी तो किया हुआ है ना, वो वहां पे एंड हो रहा था तो स्पैन चूंकि हम लोगों ने लगाया था एंड पे ही, इस वजह से उसने हमें कोई वो नहीं दिया जो एरर नहीं दिया, ये देखते हैं और उसको हम लोग लिंक के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। आवाज आ रही बेटा मेरी, ये जो हमने यहाँ पे दिया था स्टाइल जो जितना भी स्टाइल दिया हुआ है इसको हम लोग करेंगे यहाँ से कॉपी, और ये स्टाइल से लेके शिफ्ट इस स्टाइल तक हम लोग कॉपी करेंगे, इसको मैं कट करवा दिया मैंने, ये देखें हेड के अंदर आप सिर्फ टाइटल रह गया और हेड रह गया, इसको मैं सेव करवा रहा हूँ, सारी की सारी जो है वो खत्म हो जाएगी हमारी स्टाइलिंग, सिर्फ वही रह गई थी जो हमने इनलाइन दी हुई है। ओके यानी देखें कि कितना फर्क पड़ रहा है, सिर्फ स्टाइल देने से कितना फर्क था और HTML से कितना वो डिफरेंट सा दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग अलग से एक फाइल क्रिएट करते इसको न्यू और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा लेते हैं जो मैंने ऊपर दिया स्टाइल, अब यहाँ पे नहीं देंगे, जो स्टाइल दिया वो नहीं देंगे, आप लोगों ने सिर्फ रूल्स लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है, ये पूरा क्या है बेटे, रूल है, ये पूरा रूल है। ओके और इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टर कहते हैं, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है, ये उसकी वैल्यू है, तो इस तरह से ये सारा का सारा चलता है। अब इसको हमने यहाँ पे कॉपी करवा लिया, इसको मैं सेव करवाने जा रहा हूं,
आमतौर पे जो एक्सटर्नल फाइल बनाई जाती है उसका नाम स्टाइल ही रखा जाता है, इसका नाम हम स्टाइल ही रख लेते हैं। और ये नून में सेव हो रही थी, चलें कोई बात नहीं, डॉट सी एस एस। अब इस फाइल का नाम जो हम लोगों ने रखी, इसका नाम रखने के बाद डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। यानी आमतौर पे जो एक ही फाइल अमूमन बनती है वेबसाइट में जो स्टाइल के लिहाज से होती है, और उसमें स्टाइल डॉट, उसका नाम स्टाइल रखा जाता है आसानी के लिए। तो ये हम लोगों ने इसको कर लिया सेव, सेव करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे ही मैं सेव करवा रहा हूँ इसको, सेव। अब फाइल हो चुकी है सेव, लेकिन क्या हमारे पेज को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। रीजन, हमने यहाँ पे लिंक लगाना है। लिंक लगाने के लिए ये हमारी स्टाइल के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। इसको देखिएगा कि ये किस तरह की दिखाई देती है, ये इस टाइप की आपको दिखाई देगी। ये यानी इसमें ये गियर टाइप एक छोटा सा दिखाई देता है, और इसकी टाइप यहाँ पे वो बताएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट। ठीक है बेटा? जी सर। ये फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। ओके, अब इसको फाइल को हम लोग कर लेते हैं क्लोज। जो हमारी फाइल थी कैस्केड के नाम की, उसको हम ओपन करवाते हैं नोटपैड में, और यहाँ पे अब उसको कॉल करेंगे उस फाइल। कैसे करेंगे? लिंक, लिंक के अंदर आप लोगों ने देना है हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, फाइल का नाम हमने रखा चूंकि उसी सेम फोल्डर में है, स्टाइल डॉट सी एस एस स्पेस। उसके बाद आप लोगों ने टाइप देनी है इसकी, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओवर सी एस एस, और लास्ट वन है रेल। रेल के नाम का एक आप लोगों ने एट्रीब्यूट देना है, तो रेल इज इक्वल टू इसमें क्या दिया था, स्टाइल शीट। ये स्टाइल शीट ये देखें यहाँ पे, यानी लिंक हाइपर रेफरेंस फाइल का नाम डॉट उसके एक्सटेंशन, टाइप आ गई और रेल आ गया, स्टाइल शीट डबल कोट्स क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और काम बड़ा जरूरी है, आप लोगों ने स्लैश डाल के इधर ही लिंक को क्लोज कर देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। यानी एक ही हमारे पास टैग है, और हालांकि हम लोग स्टार्टिंग टैग को कभी भी इस तरह से एंड नहीं करते, तो ये एक ही टैग है, इसको आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से एंड भी करना है। यू फॉलो? जी सर। अब हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो सेम प्रॉपर्टीज जो हैं वो आ चुकी हैं। और ये हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल फाइल के थ्रू हम लोगों ने अप्लाई किया है अपना स्टाइल। ओके बेटा, आप लोगों को दिखाता हूँ। कहते हैं कलर थे हमारे पास दोबारा से स्टाइल फाइल को ओपन करते हैं, ओपन विद नोटपैड, ये ओपन होगी। अच्छा, कलर जैसे ये येलो या रेड दिया हुआ है, इसको आप लोग दे सकते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू में। हेक्सा वैल्यू जब दी जाती है तो आप लोगों ने हैश के साथ इसको स्टार्ट करना है, और सिक्स डिजिट्स में आप लोगों ने नंबर देना है, विच आर आर जी बी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये तीन बेसिक होते हैं हमारे पास, यानी दो दो डिजिट्स जो हैं वो उस पर अप्लाई होते हैं। ये स्टार्ट होता है बेटा जीरो से लेके, सिक्स जीरो से स्टार्ट होता है और सिक्स एफ तक जाता है। एफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल का सभी को पता है वैल्यूज होती हैं। ये देखिएगा, ये कोई भी कलर है ना बेटा, वो जीरो से लेके वो ब्लैक से लेके, यानी कोई भी कलर है उसको अगर हम लोग डार्क करते जाएं, डार्क करते जाएं, एक वक्त आएगा कि वो फुल ब्लैक हो जाता है। तो किसी भी कलर की मिनिमम वैल्यू जीरो 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 है, सिक्स जीरो या छह जीरो देना पड़ते हैं। कलर का ये कोड होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। पहले तो हम कलर्स के नाम लिखते रहे,
वो हैं बड़े लिमिटेड। अब कलर्स की मुख्तलिफ शेड्स हैं, कितनी शेड्स हैं, लाखों हैं, एक एक कलर की लाखों शेड्स हैं, एक एक कलर की लाखों शेड्स हैं। तो वो आप लोग शेड्स कैसे दे सकते हैं, आप लोग उसका कोड दीजिएगा तो आपको शेड मिल जाएगी। अच्छा ये हो गया। और सेकंडली मैंने जैसा बोला कि किसी भी कलर को अगर डार्क करते जाएंगे एक वक्त आ जाएगा वो फुल ब्लैक हो जाएगा, और किसी भी कलर को लाइट करते जाएंगे एक वक्त आएगा वो फुल वाइट हो जाएगा। तो फुल जो उसकी वैल्यू है वो एफ है। जितनी भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं कौन कौन सी होती हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। हेक्साडेसिमल यहाँ पे मैं चले लिख देता हूँ, बाद में मैं काट दूंगा। हेक्साडेसिमल वैल्यूज ये होती हैं बेटा 0, 1, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी। आप लोग स्मॉल भी लिख सकते हैं वो इसको पहचानता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, यानी यहां से लेके आपने ये टोटल 16 वैल्यूज बनती है 0 इंक्लूडेड 0। तो चूंकि बेसिक जो कलर्स हैं वो आप लोगों को पता है कि वो भी 16 कलर्स का आमतौर पे चलता है सिलसिला, यानी हमने अभी टोटल सारे के सारे जीरोस कर दिए हैं, फिलहाल सारे के सारे जीरोस कर दिए हैं। ये जरा गौर कीजिएगा एफ तक वैल्यू से आ रही, तो इसको मैं काटने जा रहा हूँ। ये चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। तो ये बेटा हेक्साडेसिमल वैल्यू है एफ तक, जिनको नहीं पता वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके okay. इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं देनी। 9 के बाद जो है कैपिटल ए स्मॉल ए भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बी सी डी ई एन एफ इसका कॉम्बिनेशन देना है हमने, और मैक्सिमम जो वैल्यूज होती हैं वो 6 होती हैं हमारे पास कलर के लिए, 6 वैल्यूज होती हैं। अब मैंने यहाँ पे दे दी है 6 जीरोस। 6 जीरोस से मुराद है कि फुल ब्लैक कलर। अप्लाई करके देखते हैं इसको, तो ये देखें जो रेड था उसकी बजाय पूरा उसने ब्लैक यहाँ पे शो कर दिया। तो अगर हम लोग इसको दे देते हैं बेटा तमाम एफ दे देते हैं, एफ 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 एफ, यानी 6 हमने एफ दे दिए, इट मींस के फुल वाइट नजर आ रहा है, वाइट कलर। यस सर, सारे वंस करके देखते हैं इसको। 1 1 1 1 1 1 ये है ब्लैकिश सा ही, लेकिन थोड़ा सा कम है, यानी जो ब्लैक दिया है ये थोड़ा सा उससे कम ब्लैक है, यानी बजाहिर देखने को ब्लैक लग रहा है। उसकी एक तो रीजन ये है कि हमने बैकग्राउंड पे जो कलर दिया हुआ है वो येलो है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा फील हो रहा होगा। आप लोग इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, ये बल्कि असाइनमेंट भी मैं अभी देता हूँ आप लोगों को। आपने 16 इसी तरह से लेने कलर्स, उसको 2 2 2 आप लोग करके देखिएगा। तो इसको सेव नहीं किया मैंने अभी, थोड़ा सा लिटल बिट फर्क पड़ गया, वो इसलिए नहीं इतना फील हो रहा, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड हमने येलो दी हुई है तो वो भी थोड़ा सा साथ मिक्स अप हो जाता है। ये मजीद हल्का हो गया, इसको अगर 4 देते हैं और इसी तरह से फर्ज करें हम इसको ए दे देते हैं, कुछ समझ आ रही बात? Yes, sir. कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, फर्स्ट करें डबल ए 99 BB, पता नहीं कौन सा कलर, चेक कर लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का बना है, जो बेसिक है ये वाला, यहाँ से आपके कलर्स चेंज होते हैं,
यहाँ पे हम दो इसको दे देते हैं 7799BB। चले ये दो दो से फर्क पड़ता है, उसका कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होता रहता है, थोड़ा सा मजीद फर्क पड़ गया। तो yes, sir. अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको FF, अब ये लाइटर की तरफ जाएगा लिटिल बिट। ये देखें इस टाइप का कलर आ गया, सही है। इसका एक तो तरीकाकार ये है कि हम लोग इंटरनेट से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेकंडली आप लोग अगर 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 ठीक है, अब वर्ड खोलें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें, यहाँ पे होते हैं हमारे पास ये कलर्स, टेक्स्ट कलर होता है। आप लोगों ने क्या करना है, ये मोर कलर्स में जाइएगा, मोर कलर्स, एक तो यहाँ पे उसने कुछ दिए हुए हैं, मोर कलर्स में जाना है और यहाँ पे है कस्टम। कस्टम में जाएंगे तो ये नीचे देखो बेटा हेक्सा वैल्यू दी हुई है ना? यस सर, दी हुई है। और ये सिक्स डिजिट्स में ही दी हुई। आप देखें कि ये सारे जीरोज हैं और इधर कलर कौन सा नजर आ रहा है हमें? ब्लैक। ब्लैक आ रहा है। अब हम इसको चेंज करते हैं और इधर से लाइटर उसको किया जा सकता है। देखो आरजीबी भी यहाँ पे आरजीबी भी आ रहा है और हेक्सा भी आ रहा है, ये न्यू कलर बन रहा है। हम इसको मजीद लाइट कर देते हैं, यानी ये ग्रीनिश सा है और लाइटर है। यहाँ से आप लोग कलर इसको घुमा के चेंज कर सकते हैं। तो ये कलर बना है, यही मैं कोड उठा के कॉपी करूंगा और इसको पेस्ट करवा देते हैं अपने स्टाइल के अंदर। यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया जी। तो ये पेस्ट हो गया, नहीं समझ आई। तो पैराग्राफ है, इधर भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ये ब्लू की बजाय हम कलर कॉम्बिनेशन दे देते हैं, वही वाला कॉम्बिनेशन दे दिया मैंने। तो ये देखें उसने उसके लिहाज से कलर हमें बना के दे दिया है। एक तो ये तरीका है, अगर आप लोग ऑफलाइन कोई भी कलर अपनी मर्जी से बनाना चाह रहे, कलर अप्लाई हो गया तो ये देखें, समझ आ रही बात? एक वेबसाइट है बड़ी जबरदस्त है, आप लोगों के वैसे भी वो आप लोगों ने देखी भी होगी, W3 Schools। Yes, sir. W3Schools.com। अच्छा, एक तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि यहाँ पे लिखे कलर पिकर, कलर पिकर, ठीक है, कलर पिकर फॉर, ये भी कर सकते हैं आप लोग अपने ब्राउजर में भी उसको कलर पिकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। छोटा सा उसका प्लगइन है, तो एड ऑन है, सॉरी प्लगइन कह रहा हूँ, एड ऑन है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर क्रोम करके देखिएगा, ये बल्कि नीचे आ रहा है फॉर क्रोम, क्रोम में आपके ओपन हो जाएगा, वहां से भी कलर को पिक कर सकते हैं। सेकंडली W3Schools में देखते हैं, W3Schools, तो यहाँ पे भी आपको ये दिखा देगा कलर पिकर का इनका। ये देखें कलर पिक का कलर, लाइटर डार्कर। तो यहां से पहले आप लोग कलर पिक कर लें कोई भी, ये बेसिक कलर्स हैं इनके। ये देखें ये कलर्स हैं, ये डार्क की तरफ जा रहे हैं, और ये देखें डार्क होते होते कितना हो गया, ब्लैक, लाइट होते होते 100% अगर हो जाए तो वो सारी एफ होगी वैल्यू, तो वो क्या हो गया, वाइट हो गया। तो इस तरह से आप लोग कोई भी कलर यहाँ से लेके उसका कोड इधर से कॉपी करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप लोगों ने कलर सेलेक्ट किया, इसको कॉपी करें, या आप अपनी भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू देंगे वही कलर आ जाएगा। फॉलो कर रहे बात? ओके करते हैं। तो ये वाला कलर फिलहाल हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से उठाया है मैंने कलर, फॉलो कर रहे बात? तो यहाँ ह्यू के लिहाज से दिए, इसमें ह्यू भी दिया हुआ है, हेक्सा भी दिया है, आरजीबी दिया है, HS1 भी दिया हुआ है, HSL सॉरी, ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है, ये तमाम के तमाम यूज होते हैं आपके वेब के अंदर। ये रेड ग्रीन ब्लू बेसिक थ्री कलर्स, तो तीनों के कॉम्बिनेशन ये देखें कहाँ कहाँ पे तीनों हैं, तो ये कलर बन रहा है। आप यहाँ से कलर बना सकते हैं, ये देखो मजीद जो है रेड को कम या ज्यादा करने से कैसा हो रहा है,
ग्रीन को कम ज्यादा करने से क्या हो रहा है, ये देखो कलर चेंज हो रहे हैं, ब्लू से क्या फर्क पड़ने जा रहा है, यू फॉलो? तो मेरा ख्याल है काफी है।